क्राइम सिटी मेरठ में बीते दिनों लायक खान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया। हालांकि आरोपियों के दो अन्य साथी अभी भी फरार हैं। बताई गई है और ये सही है कि इस तरह की गतिविधियां उसके द्वारा की जाती थी और कुछ अपना काम वो करता था जिससे रोजी रोटी उसकी चलती रहे। आरोपियों का प्रोफाइल क्या है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों भी वहाँ पर तस्लीम के लिए काम करते हैं और इसमें लिप्त हैं। पहले भी कोई इस तरह की घटना इन्होंने की? इनके द्वारा फिलहाल बताया गया, इनके क्रिमिनल हिस्ट्री की वहाँ से जानकारी की जा रही है। 10 लाख रुपए लेकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये भी चीज़ सामने आई थी कि ये कहाँ तक सच है? हाँ, ये भी चीज़ इसमें आई है कि तस्लीम के कहने पर इसके लोग में इनके द्वारा घटनाकारी की गई है, तो तस्लीम की गिरफ्तारी के बाद सारी चीज़ें फैक्ट सामने आ जाएंगी और भी जो वजहें हैं और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर जैसा